What's up everybody, this is Shobby. I am back with another vlog and video, जो भी आप बोलो. And so, आज का वीडियो आप लोगों ने टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे, जो कि होने वाला है मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग. एक्चुअली ये मोटो ब्लॉग का जो टाइटल, ये जो वीडियो का टाइटल है वो कुछ और होने वाला था, बट मेरे दोस्तों के वजह से ये जो टाइटल कुछ और करना पड़ा और मुझे ये वीडियो कुछ और बनाना पड़ा. थैंक्स टू माई फ्रेंड्स. और मैं उनका नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर चाहो तो उनको गाली दे सकते हो. करते हैं आज की बात वीडियो के बारे में. और मैं आज वीडियो बनाने वाला था, एक्चुअली मैं जाने वाला था लोनावला और मैं मोटो व्लॉग फर्स्ट टाइम बनाने वाला था, जो कि मैंने मेरे फ्रेंड से गोप्रो लिया था, गोप्रो हीरो 7. सो उसको मुझे टेस्ट करना था और उसका पूरा रिव्यू बनाना था. एक्चुअली मैं भी प्लान कर रहा हूँ गोप्रो लेने का. सो मुझे पहले ट्राई करना था कि कैसा मैं अगर उसको लेता हूँ तो मुझे कितना यूज़फुल होता है और मैं उसको उसके थ्रू मैं अच्छे वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं, और या फिर मेरे को सूट होगा या नहीं. वैसे तो मोटो व्लॉगिंग के लिए गोप्रो इज़ द बेस्ट, बट देन टू सबको अलग अलग पसंद होता है और सबको अलग अलग चीज़ें हैंडल करने की आदत होती है. तो इसके लिए मैंने ट्राई करने के लिए लिया था, बट अभी नहीं जा रहे हैं. फिर भी मैं ये गोप्रो का टेस्ट करूँगा. तो सबसे पहले हम लोग एक मैं छोटा सा एक कंपैरिजन वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर, मतलब छोटा सा क्लिप बना लेते हैं. क्योंकि अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, जिन लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पहले से और जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, वो मैं कर रहा हूँ मेरे फ़ोन कैमरा से, फ्रंट के, जो कि है वीवो V15 Pro के फ्रंट कैमरे से. सो इसका क्लैरिटी आप देख सकते हो. अभी जो मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ वो होगा GoPro Hero 7 से. तो आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि Vivo 15 Pro का कैमरे से और GoPro का क्लैरिटी कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट वन. सो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है GoPro Hero 7 से. तो आप लोग देख सकते हो इसका वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी, जो कि मैं विदाउट एक्सटर्नल माइक से कर रहा हूँ. ये जो है इनबिल्ट माइक है GoPro Hero 7 का, आप लोग क्लैरिटी देख सकते हो. Vivo V15 Pro का कैमरा, ये है Hero 7 का कैमरा और वॉइस Vivo V15 Pro का और क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी के मामले में मैं तो बोल रहा हूँ कि कैमरा इसका सही है बहुत ज़्यादा, मोबाइल से मोबाइल का कैमरे से ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं. प्लीज़ बैकग्राउंड को मेरा इग्नोर करना, मैं जो है छोटे से घर में रहता हूँ तो मुझे सेटअप करने का इतना टाइम मिलता नहीं है. तो नॉर्मली मैं सिर्फ एक पर्दा लगा के मैं शूट करता हूँ. तो ये है मेरा हेलमेट और मैंने इसमें ऑलरेडी इसका जो ये लगता है, इस मैंने एमसिल से नहीं किया है, इसको मैंने स्क्रू से टाइट किया हुआ है. क्योंकि ये यहाँ पर जो मेरा हेलमेट के जो फ्रंट का फेस है वो प्लेन नहीं है, ये ऊपर नीचे वो फिट है, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ा. सो मैं इसको लगा लेता हूँ पहले और मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे. आप लोगों को लग रहा है मैं कैप पहन के गया हूँ क्योंकि मेरे बाल अभी तक आए नहीं है. सो ये इस तरह से कुछ दिखेगा. लेट्स सी अभी ये कमांड एक्सेप्ट करता है कि नहीं. GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग. सो एक्चुअली मैंने इसमें देखा ट्राई करके कि ये कमांड एक्सेप्ट करता है कि नहीं. सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कमांड एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदे में होने वाला है किसी भी राइडर के लिए. सो अभी हम लोग इसको पहनते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं. तो लाइट अभी निकल रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ, बट अभी मैं जैसे कि जिन लोग अगर मेरे वीडियो पहले टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूँ मैं हूँ चौल पे रहने वाला. तो ये सब चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी पड़ती है, जो कि पानी भरना और ये गटर नाले भर जाना. तो सबसे पहले तो अभी मैं निकल गया हूँ, मेरा एक्चुअली शॉप है तो मेरी मम्मी को मैं घर का चाबी दे रहा था. तो अभी मैं निकल चुका हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ, मुझे नहीं पता इसका वीडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है और जो एंगल मैंने सेट किया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है. और ये जो मैंने और मेरी गाड़ी के हेडसेट है और मैंने ये हैंड गार्ड अभी
कल या परसों ही लगाई है, जो कि मुंबई सीएसटी रोड से। और ये वाला मैंने घर पे लगाया है, जो कि प्रॉपर ही नहीं लगा है, इसलिए ये ज़्यादा हिल रहा है। सो इसको मैं कुछ ना कुछ मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा। एज वी आर इंडियन सो हम लोग कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर ही लेंगे। और मेरा फ्रेंड रुका हुआ है तो उसको पहले हम लोग मिलेंगे, फिर थोड़ा घूमेंगे और घूमना भी हो जाएगा और वीडियो का टेस्टिंग भी हो जाएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट टू सी दी पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ दिस कैमरा। सो अभी आप लोगों को वॉइस क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे रियली नहीं पता, क्योंकि मैंने एक तो मैंने कैमरा लगाया है विदाउट एक्सटर्नल माइक के साथ और मैंने मास्क भी पहना है, तो वॉइस तो है थोड़ा ऑब्वियसली कमी आएगा मुझे लग रहा है। बट अभी सबने वगैरह सुना है मैंने कि ये जो GoPro का साउंड रिकॉर्डिंग गुड इनफ है मतलब मोटो ब्लॉगिंग के लिए, सो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे लग रहा है। और मुझे मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है, तो मेरे को पेट्रोल जल्दी से जल्दी भराना पड़ेगा। पहले मैं मेरे फ्रेंड से मिल जाता हूँ, आई मीन सद्दाम से, उसके बाद जाएंगे पेट्रोल भराने। यूजुअली ये जो हैंड कार्ड है वो KTM में लगता है या फिर कोई महंगी गाड़ी में। ये जो मेरी गाड़ी है बहुत पुरानी है, 2009 की मॉडल है। मैं यूजुअली अभी मैंने नया बाइक लेने का प्लान किया, देखो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। कुटे हाँ तो आली कसे इत आला कसा कता है का इत का इत का आला पण इत हाँ मग जा आता तू काहीतरी खाऊन घे, जा तुला पैसे दिले ना मी तिथे, तर नाहीतर तिथं खाऊन घे। कुछ नाही मारेगा जा। तो अभी जाके वो आया है और मुझे पता नहीं ये कैसे शूट कर रहा है या सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, जो हो रहा होगा अभी क्या देखने के बाद ही पता चलेगा। किधर था बे दोस्त? पेट्रोल भराने का मेरे को, चला पेट्रोल भरते पहले। गाड़ी रुके, मैं तो आपको के साथ आता हूँ। 1 hour later तो अभी हम लोग हैं हाईवे शिवाजी नगर के पास पे, और आप लोग ये मिरर को थोड़ा इग्नोर करो कि ये बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है, जो कि मैं घर पे जाके ठीक करने वाला हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर ही करना और रास्ते पे ध्यान देना। तो हम लोग जा रहे हैं मंगेश घर पे फ्रेंड से मिलने को, और उसके बाद हम लोग घर पे आ जाएंगे। इस भूखे इंसान को देखो, हर जगह जाए जहाँ भी जाएगा यहाँ पे उसको भूख लगती है भाई को। क्यों भाई ऐसा कुछ है, इसका रीज़न है बता सकते हो? क्या करेंगे, सुबह से घुमा रहे तो भूख लगी है ना। क्या अभी हम लोगों को लगी है भूख और तो उसको बोल दिया अभी चलो। सब हम लोग को ATM से कैश निकालना पड़ रहा है, तो ATM ढूंढते हम लोग कैश निकाल रहे हैं अभी। अरे यार क्यों नहीं काम कर रहा ठीक से, मिलने अभी नेक्स्ट क्या शॉर्ट जाते हैं किधर, तो नेक्स्ट वीक का बोल रहा है भाई। नेक्स्ट वीक जाते हैं, नेक्स्ट वीक जाते हैं, तेरा जुगाड़ करना, एक मेरा दोस्त है वही से आएगा शायद से। हाय बोल, हाय बोल, चालू कर दिया। ये भी वो एक बंदा है जिसकी वजह से हम लोग का प्लान कैंसिल हुआ, मैं ही वो बंदा हूँ। और एक और मैं सबको टैग कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सब लोगों को गाड़ी पढ़नी चाहिए। चल आता हूँ, मिलते हैं। हाँ ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम दे रहा है आज के लिए मुझे, कि ये मैंने लगा कर थोड़ा गलती कर दिया। एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा सपोर्ट के साथ लगाना चाहिए था, पर मैंने इसको थोड़ा सा लापरवाही कर दी, इसकी वजह से मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है इसकी। तो वो तो मैं अभी जाके गैरेज में करा ही लूँगा, तो अभी मैं घर पे ही जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया
चैनल को जरा सब्सक्राइब बटन दबा देना, जो लोग नए हो उन लोग को दबा के जाना। और हाँ, मेरी मम्मी का चैनल भी है, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो आप लोग एक बार जाके चेक कर लेना, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और लॉकडाउन में आप लोग इस कुकिंग के नए नए रेसिपीज आप सीख सकते हो। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड बी सेफ। पीस आउट, बाय बाय।